एवरीवन, तो आज है हमारी मेमोरी क्लास। तो आज मैं आपको ब्रेन का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी और हमारी ब्रेन की पावर भी बताऊंगी। तो दोस्तों, मैंने ब्रेन का इंट्रोडक्शन और मेमोरी क्लासेस जो है वो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है वीडियोस, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट मेमोरी क्लास पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैंने ये लिखे हुए हैं 20 नंबर्स, अब इनको मैं एसोसिएट करूंगी और यही नंबर्स मैं आपको सुनाऊंगी। तो आज की धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दे देती हूँ ब्रेन का एक सिंपल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आपको इतना पता है कि हमारे ब्रेन के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। अब दोस्तों, लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों की कंसंट्रेशन पावर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लेफ्ट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर है ओनली 10% और राइट ब्रेन की कितनी कंसंट्रेशन है, 90%। तो अब हमें क्या करना है, अपने ब्रेन की जो कंसंट्रेशन पावर है, जो लेफ्ट ब्रेन है, उसको हमें 100% बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, देखिए मैं अब आपको कुछ छोटे से शॉर्टेस्ट टास्क्स बताती हूँ। तो सबसे पहला, उसका नाम है शॉर्टर टास्क, शॉर्टेस्ट टास्क। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप अपनी किताब लेकर बैठे और पढ़ने बैठे हुए हो, तो अब क्या होगा, आपके एक चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन है लेट्स सपोज, तो आपको आप पेज पलटोगे और जैसे ही आपका आखिरी पेज आएगा तो आप कहोगे नहीं बाबा, अब मेरे से तो नहीं होगा। आपको पेज नहीं पलटना, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जितने मन करे, आपका दिमाग जितना करने को बोले ना, सिर्फ उतना करना है। लेकिन आपका ब्रेन सोचेगा अरे यार मेरे को तो मूवी देखनी है, क्यों, क्योंकि राइट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर 90% है। अब इनका वर्क भी बता देती हूँ एक बार, जो लेफ्ट ब्रेन है उसको पढ़ना अच्छा लगता है और उसको लॉजिक्स, रीजनिंग, SST सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, मैथ्स। और जो हमारा राइट ब्रेन है उसकी बात करें तो उसे उछल कूद, मूवी देखना, टीवी देखना, बाहर जाना, खेलना, कूदना, सब कुछ पसंद है। अब क्या करेगा, जब आप पढ़ोगे ना, आपका राइट ब्रेन ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर है आपके राइट ब्रेन के, वो एक्सक्यूज बनेगा, अरे यार चलो पहले वीडियो गेम खेलता हूँ फिर बाद में पढ़ूंगा, फिर वो करके चलो यार एक बार कुछ और कर लेता हूँ बाद में करूँगा, फिर वो बाद में आप उस चैप्टर को कर ही नहीं पाते। करना क्या है, मैं सिंपल टास्क बता रही हूँ आपको, देख लो, आपको बैठना है, आप अपने राइट ब्रेन को जैसे छोटे बच्चों को डांट के, जैसे कि आपका भाई या बहन होंगे, कई बार आप मार्केट जा रहे होते हो, वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे भी जाना है मार्केट, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो पहले होमवर्क कंप्लीट कर फिर लेके जाऊंगी मार्केट या लेके जाऊंगा मार्केट, ठीक है। तो फिर वो फटाफट अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट करते हैं और फिर मार्केट जाते हैं। वैसे ही आपको इसको समझना है, आपको कहना है तो बस आपका दिल जितना बोलता है, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना आपका मन करे, लेकिन ज़्यादा नहीं, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आप एक टास्क में नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाने लगेगा और जब आप वापस से रिमाइंड करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो शॉर्टेस्ट टास्क लेना है, जैसे कि 10 क्वेश्चंस का लिया, 10 क्वेश्चंस आपने अपने ब्रेन को बोला चल पहले 10 क्वेश्चंस करते बाद में मूवी देखने चलूंगा, ठीक है। तो 5-5 मिनट का गैप देना है बीच में, फिर किए 10 क्वेश्चंस, उसके बाद में 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का आप गैप दे दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉक पे भी जा सकते हैं, 1-2 मिनट कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन 10 से 15 लास्ट होता है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, अब आपका राइट ब्रेन पेन, हाइलाइटर और रेजिस्टर का काम बताती हूँ मैं आपको। अब ये जो पेन होता है, क्या करना है, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये जो आपकी पेंसिल या फिर पेन, आप जो भी यूज कर रहे हो, पेंसिल रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पेंसिल लेनी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस, जैसे 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते हैं उन पे आपको सर्कल लगाना है, और जो नहीं आता उसके ऊपर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं या फिर उसको खुला भी छोड़ सकते हैं। देन जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उन
उनको आप याद करेंगे। 10-10 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन तो आते ही आते होंगे। क्यों आते होंगे? क्योंकि आपने चैप्टर है पढ़ा। अब आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाते हैं, निकल कर आ जाते हैं। तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अब हाइलाइटर से आपको वो हाइलाइट करने हैं मेन पॉइंट्स, जो जो आपको मेन दिखता है ना उसमें आप उसको हाइलाइट कर लेंगे। और रजिस्टर में लेट सपोज आप कोई चीज याद कर रहे हो, उस क्वेश्चन को याद करना है, मेन पॉइंट्स को आपको लिख लेना उसमें और फिर उनकी एसोसिएशन करनी है। तो ये है आपके टास्क। और दूसरा टास्क मैं आपको बता देती हूँ, जब आप मेमोरी में करेंगे तो पहले सबसे पहले आपको वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, देन मतलब पकड़ बनानी है आपको वेरी वेरी शॉर्ट पे, फिर लॉन्ग पे और फिर वेरी वेरी लॉन्ग पे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी ब्रेन की। तो अब मैंने आपको बता दिया ब्रेन पावर का इंट्रोडक्शन, ब्रेन की पावर क्या और उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो अब मैं आपको इन नंबर्स को इंस्टॉल करके दिखाऊंगी और फिर मैं आपको इन नंबर को सुनाऊंगी और जादू दिखाऊंगी। तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कहीं से मैं देख ना लूं, कोई मुझे आगे से दिखा ना रहा हो, तो इसीलिए मैं इस पट्टी को अपनी आंखों पर लगाऊंगी और फिर आपको जादू दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने आप आंखों पे पट्टी लगा ली है। तो फर्स्ट नंबर इज 45, सेकंड नंबर इज 12, यस, थर्ड नंबर इज 27, यस, फोर्थ नंबर इज 38, यस, फिफ्थ नंबर इज 47, यस, सिक्स्थ नंबर इज 58, यस, सेवंथ नंबर इज 64, यस, एट्थ नंबर इज 72, यस, नाइन्थ नंबर इज 81, यस, टेंथ नंबर इज 96, यस, इलेवंथ नंबर इज 57, यस, ट्वेल्थ नंबर इज 64, यस, थर्टीन नंबर इज 72, यस, फोर्टीन नंबर इज 91, यस, 15 नंबर इज 80, 16 नंबर इज 97, यस, 17 नंबर इज 27, यस, 18 नंबर इज 19, यस, 19 नंबर इज 32, यस, एंड 20th नंबर इज 77। चेतिका एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है? ओके। फर्स्ट नंबर इज 45, यस, सेकेंड नंबर इज 12, यस, थर्ड नंबर इज 27, यस, फोर्थ नंबर इज 38, यस, फिफ्थ नंबर इज 47, यस, सिक्स्थ नंबर इज 58, यस, सेवंथ नंबर इज 64, यस, एट्थ नंबर इज 72, यस, नाइन्थ नंबर इज 81, यस, टेंथ नंबर इज 96, यस, इलेवंथ नंबर इज 57, यस, ट्वेल्थ नंबर इज 64, यस, थर्टीन नंबर इज 72, यस, फोर्टीन नंबर इज 91, यस, फिफ्टीन नंबर इज 80, यस, सिक्सटीन नंबर इज 97, यस, सेवनटीन नंबर इज 27, यस, एटीन नंबर इज 19, यस, और 19 नंबर इज 32, यस, और 20th नंबर इज 77। ओके ओके। तो दोस्तों अब मैं आपको मेमोरी का जादू दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। 45, 12, 27, 38, 47, 58, 64, 72, 81, 96, 57, 64, 72, 91, 80, 97, 27, 19, 32, and 77. तो दोस्तों अब मैंने आपको
आपको ये सारी की सारी डिजिट्स रिकॉल करवा दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सारी डिजिट्स को मैंने याद कैसे किया। अब तो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट चीज बता देती हूँ कि जब भी आप डिजिट्स याद करने लगो, जब भी आप डिजिट्स को याद करने लगो तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आपको काउंटिंग्स की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको पिक्टोरियल मेथड की जरूरत पड़ेगी और या फिर आपको वन गॉड टू आईज वाली की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों ये तीनों क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैंने बोला या फिर आपको नंबर्स वाले की जरूरत पड़ेगी। अब नंबर्स वाले कौन से, जो मैंने आपको बताए थे 1T 2NE 3MA 4RE, जिसकी आप 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग्स है जो कि मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर रखी है, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग्स और 0 से लेकर 1 तक की, जो 0 से लेकर 9 तक की थी, 0 टाडा 1 2 1 2 ना, तो वो भी मैंने अपलोड कर रखी है अपनी उस पे। तो अब काउंटिंग्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, नंबर्स मतलब काउंटिंग्स, ठीक है। अब दूसरी चीज आएगी, एक मैंने आपको वो वाली बता रखी है 1 pen 2 duck, जिसमें मैंने आपको पिक्चर्स की फॉर्म में उनको याद करवाया था। पिक्चर्स, और एक था 1 god 2 eyes वाला मेथड, नंबरिंग मेथड। अब मतलब नंबरिंग मेथड का मतलब ये नहीं है कि हमने नंबर्स की डिजिट्स काउंटिंग्स याद करी थी, नहीं। जैसे कि 1 god सिर्फ एक होता है भगवान, 2 eyes दो होती हैं आंखें, 3 होते हैं त्रिदेव और 4 होती है दिशाएं, 5 होते हैं पांडव। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको याद करवाए थे। ये जो दोनों हैं, ये दोनों ओनली ये 120 डिजिट्स के लिए काम आएंगे, डिजिट्स के लिए आपको सिर्फ 20 डिजिट, क्योंकि ये भी 1 से लेकर 20 तक है, 1 to 20 और ये भी 1 to 20 तक है। मैंने आपको 20 वर्ड्स करवाए थे इनमें, ठीक है। अब काउंटिंग की बात करें, काउंटिंग 100 तक है। आप 100 वर्ड्स भी याद कर सकते हो, 1000 भी। उस वीडियो में जो 0 से लेकर 9 तक की जो वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको वर्ड्स बता रखे हैं, 1 tada 2 na 3 ma 4 ra 5 la 6 ja ja 7 ka ga 8 fa 9 pa ba, तो ये वाले जो मैंने आपको बता रखे हैं, तो ये क्या है, ये 1000 तक भी काम कर सकते हैं। मतलब कितनी भी डिजिट आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में 100 तक बता रखे हैं। तो अब आप इन डिजिट्स पे वर्क करना चाहते हैं तो आप, या फिर तो आप ये वाले लगा लीजिए। अगर आप ये दोनों लगाएंगे ना, ये दोनों मेथड, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई आपसे बोल दे ना कि लास्ट से फिफ्थ नंबर कौन सा है, तो आप बता पाएंगे कि फिफ्थ नंबर लास्ट से 97 है। और अगर इस मेथड नंबरिंग वाले का यूज करेंगे, उसमें भी अगर बोलेगा कोई आगे से 7th नंबर या फिर 8th नंबर, कोई भी नंबर पूछे, आप इन दोनों मेथड्स में ये चीज बता सकेंगे, लेकिन एक काउंटिंग वाले मेथड में आप ये चीज नहीं बता पाएंगे। तो इस मेथड में मैंने लगाई है काउंटिंग वाला मेथड, तो इसमें मैंने कौन सा लगाया है, काउंटिंग वाला मेथड। अब दोस्तों मैं आपको इनके एसोसिएशंस बताती हूं। 45 होता सबसे पहले रेल, अगला 12 क्या होता है, डॉन, ठीक है। रेल चुरा कर भाग गया, कौन भाग गया, डॉन भाग गया। फिर से बता देती हूँ, 45 रेल एंड 12 डॉन, रेल चुरा कर भाग गया डॉन, ठीक है। अब 45 को छोड़ दो, 12 को याद रखना होंगे आपको, 12 और 27 को, ठीक है। 27 क्या होता है, नेक मतलब गर्दन, ठीक है। और उस डॉन की गर्दन पकड़ ली, किसने पकड़ ली, पुलिस ने पकड़ ली, ठीक है। अब आपको 12 को छोड़ देना है, अब आपको 27 और
38 को याद रखना है, ठीक है। और जिसने उसकी गर्दन पकड़ी थी ना, वो क्या था, मतलब जो हम पुलिस बता रहे, वो पुलिस भी था और एक मूवी का एक्ट्रेस भी था, ठीक है। मूवी 38 इज मूवी, 38 क्या है मूवी, और 27 नेक, ठीक है। अब 38 और 47 को पकड़ लो। अब 47 रॉक, तो ठीक है, उससे मिलने के लिए लोग रॉक पार कर करके जाते हैं, रॉक पार कर करके जाते हैं। अब 47 और 58 को याद रख लो, ठीक है। और उस रॉक पे है ना पत्ते ही पत्ते, पत्ते पत्ते चारों ओर पत्ते पत्ते बिछे हुए हैं उस रॉक पे, ठीक है। अब 58 और 64 को रख लो, और उन पत्तों पर है ना, उन पत्तों पर एक चेयर रखी हुई है, चेयर, ठीक है, चेयर। 64 क्या होता है, चेयर, और 58 होता है लीव्स, 58 होता है लीव्स, ठीक है। अब 64 को याद रखना है चेयर, चेयर, और ये है 72 गन, ठीक है। अब बात करें, और एकदम से उस चेयर पे कोई आदमी बैठ गया और उसको गोली से मार दिया गया, गन, 72 इज गन, गन से मार दिया गया। अब 72 और 81 को याद रखो, 81 क्या होता है, फैट, 81 फैट। लेकिन है ना, वो बहुत मोटा आदमी था, वो बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी था। अब 81 और 96 को याद रखना है, 96 क्या होता है, बैच, 96 क्या होता है, बैच, ठीक है। अब उस वो मोटा आदमी मरा नहीं, तो क्या हुआ, उसे बैच मिला। नेक्स्ट 96 और 57 को एसोसिएट करना है। अब 57 जो है ना, अब 57 क्या होता है, 57 होता है लॉक। अब क्या हुआ, एकदम से चार पांच गुंडे आए और उसको लॉक में बंद करके रख दिया, ठीक है। और वहां पर है ना उस लॉक के अंदर वो जेल टाइप की लॉक लगा दिया, इतना भारी वाला, ठीक है। वो जेल, उस जेल में उस जिस पे लॉक लगाया था उसके ऊपर है ना एक चेयर थी, एक चेयर, उस जेल में क्या थी, चेयर थी, ठीक है। अब 64 को 72 से एसोसिएट करोगे, 64 चेयर, ठीक है, और 72 गन, ठीक है। अब चेयर पे बैठाया, ठीक है, और उसको है ना चार पांच आदमी फिर से गन 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 मारने लगे, बहुत सारी गोलियां मारी, पर फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था, उसको लगती नहीं थी। अब इस 92 को एसोसिएट करना है 91 से। 91 क्या होता है भाई, 91 होता है बैट, 91 होता है बैट। अब ये जो 91 है ना बैट, अब ठीक है, गन मारी तो उसी मोटे आदमी ने बैट पकड़ा और उनको बैट उठा के मार दिया, ठीक है। अब बैट उठा के मारने के बाद 80 फ्यूज, 80 क्या होता है, फ्यूज होता है। और उसने क्या किया, उसकी हवा टाइट कर दी, ठीक है। अब 80 और 97 को एसोसिएट करना है आपको, 97 क्या होता है, बाइक भी बोल सकते हो और बुक भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने अभी बाइक के साथ एसोसिएट किया है, बाइक के साथ ही अच्छे से हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, वाइडॉन क्या करते हैं, उस मोटे आदमी की बाइक चुरा के भाग जाते हैं। 97 इज बाइक, तो मोटे आदमी की बाइक चुरा के भाग जाता है वो, ठीक है। अब किसको छोड़ना है आपको, 80 को छोड़ना है, ठीक है। हवा फ्यूज हो जाती है और वो मोटे आदमी की बाइक चुरा के भाग जाता है, ठीक है। अब 97 और 27 को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे वो बाइक चुराने भागता है, वो मोटा आदमी उसकी गर्दन पकड़ लेता है, वो मोटा आदमी क्या करता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है, ठीक है। अब आपको 97 को छोड़ देना है, 27 और 19 को आपको याद रखना है, ठीक है। अब गर्दन पकड़ लेता है और फिर क्या करता है, उसको पानी में नहलाता है, क्योंकि वो उसकी बाइक चोरी कर रहा था, इसलिए पानी में उसको बहुत ज्यादा 19 इज टैप, टैप टैप में नहलाता है, पानी में नहलाता है। अब 90 टैप, अब टैप टैप को
एसोसिएट करना है मून के साथ, मून के साथ, और कहता है कि मैं एक भेड़िया हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ और मैं चांद को देखकर ही अपने असली रूप में आता हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब 32 इज मून, मून, तो उसने बोला मैं तो सिर्फ चांद को देख के, मून को देख के अपने असली चेहरे में आता हूँ। और फिर उसको चांद का मतलब कि मून का बना हुआ एक केक खिलाता है और उसके मुंह पे मारता है, और फिर वहाँ वो मोटा आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि इस ट्रिक से, इन नंबरिंग वाली ट्रिक से आपको ये याद हो भी गए होंगे, और अगर आप चाहो तो उन दोनों मेथड्स में से भी कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके कर सकते हो इन नंबर्स को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।